चंडीगढ़ में जारी बीजेपी आपका महासंग्राम। मेयर चुनाव पर सीजीआई ने माना लोकतंत्र की हुई थी हत्या। एससी का निगम की बैठकों पर रोक। विदिन सेकंड्स जंप कर गए मेरे पूरा उस प्रोसेस को डिस्टर्ब करने के लिए और उन्होंने आके बैलेट पेपर पे कब्जा कर लिया कि इलेक्शन प्रोसेस को काउंटिंग प्रोसेस को डिरेल करने के लिए आप और कांग्रेस ने एक साजिश रची। ये तो आज पूरा बैलेट पेपर को कैप्चर करने आ गए थे आप और कांग्रेस के सभी पार्षद मिलकर। अगर वहां चंडीगढ़ पुलिस के मार्शल नियुक्त ना होते तो आज ये तो बैलेट पेपर फाड़ देते और लेके भाग जाते, इनको कौन पकड़ पाता। भाजपा के इस पदाधिकारी ने जो प्रिसाइडिंग अफसर था आज के चुनाव का, उसने अपने पेन से बैलेट पेपर पर इंक लगा लगा कर उस सारे बैलेट पेपर को इनवैलिड किया और फिर चुनावों की गिनती में, वोटिंग में, वोट काउंटिंग में उस एक एक बैलेट पेपर को इलीगल घोषित किया। पहली बार चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कुल 36 वोटों में से 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए, इतिहास में आज तक नहीं हुआ। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर शुरू हुआ महासंग्राम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 28 जनवरी को हुए चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव का घमासान इतना बढ़ चुका है कि ये अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सोमवार को इस मामले पर सुनवाई हुई, साथ ही चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये साफ है कि उन्होंने बैलेट पेपरों को डिफेक्टिव यानी खराब किया था। क्या वह इसी तरह चुनाव आयोजित करते हैं? यह लोकतंत्र का मजाक है, यह लोकतंत्र की हत्या है। इस अवसर पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मेयर चुनाव के पूरे रिकॉर्ड को जब्त कर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के पास रखा जाए, बैलेट पेपर और वीडियोग्राफी को संभाल कर रखा जाए। इसके साथ कोर्ट ने निर्देश दिया कि चंडीगढ़ निगम की आगामी बैठक स्थगित रहेगी। इससे आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी चेतना को संतुष्ट करना होगा, नहीं तो नए सिरे से चुनाव कराने होंगे। मेयर चुनाव के चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को 19 फरवरी की सुनवाई में मौजूद रहने का भी आदेश दिया गया है। चुनाव अधिकारी सुप्रीम कोर्ट को वीडियो में दिख रही अपनी कारगुजारी का जवाब दें। आपको बता दें, INDIA गठबंधन यानी आप कांग्रेस के संयुक्त कैंडिडेट कुलदीप कुमार ने ये याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने भाजपा के नए चुने मेयर मनोज सोनकर को हटाकर दोबारा चुनाव करने की मांग की है। याचिका में दलील दी गई है कि चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने वोटों की गिनती में हेराफेरी की है। उनकी तरफ से कांग्रेस नेता और सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखी। वहीं भाजपा के नए चुने मेयर मनोज सोनकर ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि कुलदीप की याचिका पर कोई फैसला लेने से पहले उनकी बात भी सुनी जाए। उनकी तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज दलीलें रखेंगी। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले कुलदीप कुमार की तरफ से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। इस पर सुनवाई के दौरान उन्हें कोई राहत नहीं मिली। स्थानीय कोर्ट के फैसले के बाद आप कांग्रेस के संयुक्त कैंडिडेट कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया, जहां उन्हें काफी हद तक राहत मिलती नजर आई। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।